हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको चाइनीज नूडल्स बनाना बताऊंगी। ये देखिए उबली हुई नूडल्स है, मैंने इसको पहले से उबाल लिया है। और ये कद्दूकस की हुई गाजर है, ये आपकी ऑप्शनल है, ये आपको करना हो या ना करना हो आपके मन पे है। ये है पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, बारीक कटे हुए गाजर हैं, ये प्याज है, इसको बहुत बारीक नहीं काटना है क्योंकि चाउमीन में बारीक कटे प्याज अच्छे नहीं लगते। और ये शिमला मिर्च है, ये हरी मिर्च और ये करी पत्ता है, ये स्वाद अनुसार नमक है और ये मेरी राई है। ओके, और ये थोड़े से मैंने डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए इसको भी काट के छोटे छोटे महीन महीन मैंने शिमला मिर्च रखे हैं। और ये है, ये सोया सॉस है, वेनेगर, चिली सॉस और टमाटो सॉस। अब चलिए शुरू करते हैं बनाने की विधि। मैंने अपना पैन पहले से गैस पर चढ़ा रखा था। ये मस्टर्ड ऑयल है, आपका मन हो मस्टर्ड ऑयल से बनाइए, आपका मन हो रिफाइंड से बनाइए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने राई डाला, राई हल्की सी कड़कड़ा जाएगी, हल्की सी, ये थोड़ी सी छिटकन आ जाए इसमें। ये मैंने डाली हरी मिर्च, थोड़ा इसमें छिटकन आएगा और इसको ढक के पहले थोड़ा सा चिटक जाने दीजिए, पक जाने दीजिए। अब देखिए मैं ये प्याज डाल रही हूँ, इसमें प्याज को बहुत लाल नहीं किया जाता है। चाइनीज नूडल्स में हमेशा ये ध्यान रखिए प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं लाल करते हैं, नहीं तो फिर सब्जी जैसा फ्लेवर आ जाता है। मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी। ठीक है, अब इसको मैं ब्राउन होने देती हूँ। इसमें मैं नमक डाल दूँगी, नमक इसमें पहले से इसलिए डालते हैं कि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है। मैंने स्वाद अनुसार डाला है नमक, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ब्राउन होने के लिए। ये देखिए हो गया, हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें पत्ता गोभी डालूंगी, पत्ता गोभी, गाजर जो बारीक काट के मैंने रखी थी, चाइनीज नूडल्स में अगर ये सब ना पड़ा हो तो फिर नूडल्स ना खाने का मजा ना बनाने का मजा, क्योंकि यही सब हमारी नूडल्स को फ्लेवर देता है, एक अलग एक नया फ्लेवर देता है। अब इसको भी मैं हल्का पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा सब्जी की तरह नहीं पकाऊंगी, हल्का सा कच्चा भी रहे, हल्का पका भी रहे, हल्का सा पका भी रहे। ओके, इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ठीक है, अब इसको मैंने डिप डाला, अब मैं ये शिमला मिर्च डालूँगी। शिमला मिर्च तो सभी जानते हैं कि चाउमीन का मेन है, जो इसके टेस्ट को। सबसे ज़्यादा चाउमीन की जान है तो शिमला मिर्च, शिमला मिर्च तो ज़रूर डालिए, चाहे आपके पास गाजर ना हो ना डालिए, लेकिन शिमला मिर्च ज़रूर डालिए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर क्या कहूँ मैं, 1 से 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। भाप लग जाएगा तो ये हल्का पक जाएगा, फिर मैं उसको आगे बताती हूँ क्या करना। ये सब्जी, ये वेजिटेबल्स जो नूडल्स की तैयार कर रहे हैं, ये आधी पक गई है। देखिए इसको बहुत नहीं पकाना है, इसको मुझे सब्जी नहीं बनाना है। ठीक है, बहुत पकाने का मतलब सब्जी बन गया। और ये मैंने हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी सी मिला के रखा है, ये अब डालूंगी इसमें। और ये कश्मीरी मिर्च है, लाल देगी मिर्च जिसको बोलते हैं, ये
ये वो है, ये मिर्च तीखी नहीं होती है लेकिन आपके वेजिटेबल्स को कलर बहुत अच्छा दे देता है। अब ये देखिए तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने नूडल्स उबाल के रखा था, सॉरी मैं पहले अब इसको आपको दिखा दूँ, करी पत्ता है इसको मैं डाल देती हूँ। इसको हमेशा बीच में डालिएगा, शुरू में नहीं डालिएगा, क्योंकि जब आप शुरू में डाल के बहुत पका देंगी ना तो करी पत्ते का फ्लेवर मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो इसका फ्लेवर आता है निकल के वो आपको शुरू में नहीं पता चलेगा, आपको बीच में डालने से ही ये फ्लेवर निकलेगा। देखिए अभी मैंने डाला है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है करी पत्ते की तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और ये जो मैंने नूडल्स उबाल के रखा था अब मैं इसको डालूंगी। देखिए मैंने चाउमीन और मेरी वेजिटेबल्स आपस में मिक्स हो गया है, कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। हमेशा चाउमीन को जब भी उबालिए, बहुत लोग हमसे कहते हैं कि दीदी मैं चाउमीन उबालती हूँ और एक डेढ़ घंटे के लिए रख देती हूँ तो चिपक जाता है, तो ये हमेशा याद रखिए चाउमीन को उबालते समय उसमें आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक इसलिए कि वो चाउमीन जो है बहुत सफ़ेद हो जाता है, कलर बहुत अच्छा आता है, और जो उसमें ऑयल या आप रिफाइंड डालेंगी तो उससे चिकनाहट हो जाएगी, आपकी जो चाउमीन है उबलने के दो घंटे बाद भी चिपकेगा नहीं, आपस में सटेगा नहीं, एकदम देखिए ऐसे रहेगा, लच्छे की तरह रहेगा, ऐसे ही रहेगा हमेशा आपका। आप रख भी दीजिए उबाल के उसको, दो से चार घंटा रख दीजिए तो चिपकेगा नहीं। अगर आप नहीं डाल के उबाली हैं, भूल गई हैं, तो उबालने के बाद जब उसको ठंडे पानी में आप डालेंगी, ठंडे पानी में तो ज़रूर डालिएगा उबालने के बाद, इससे एक एक लच्छे एकदम अलग होते हैं। और उसके बाद उसको छान दीजिए, छानने के बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के और दोनों को आपस में मसल दीजिए चाउमीन को लेके, बस इससे आपका कभी नहीं चिपकेगा। अब देखिए मैं इसमें वेनेगर डाल रही हूँ, वेनेगर बहुत थोड़ा सा डालते हैं। ये है सोया सॉस, सोया सॉस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसी से ही चाइनीज नूडल्स का फ्लेवर दिखता है। अब मैं इसमें टमाटो सॉस डालूंगी, टमाटो सॉस की मात्रा थोड़ी अधिक होती है इसमें, इसलिए कह नहीं सकते हैं कि एक चम्मच या दो चम्मच, थोड़ा अंदाज से डालना पड़ता है इसको। और ये चिली सॉस है, चिली सॉस को थोड़ा सा डालते हैं क्योंकि बहुत तेज होती है। बस अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भाप लगा देंगे, दो मिनट के लिए इसको भाप जरूरी है लगाना, जिससे कि नूडल्स के अंदर तक इसका फ्लेवर पहुंच जाए, सादा ना लगे, नूडल्स एकदम प्लेन लगता है। फिर जब तक आप ढकेंगी नहीं, भाप नहीं लगेगा, तब तक समझिए नूडल्स में पूरी तरह का फ्लेवर नहीं आता है। ये ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, दो मिनट के लिए ढक देती हूँ। अब देखिए मैं खोलती हूँ, वाव क्या खुशबू है, क्या फ्लेवर है। देखिए भाप से एक बार जरूर पकाइएगा, मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो बाद में भाप नहीं लगाती हूँ सॉस और ये वेनेगर डालने के बाद, लेकिन मैंने कहा नहीं, लगाना ज़रूरी है। बहुत लोगों की डिमांड थी कि प्लीज़ आप एक बार चाउमीन वीडियो पे डालिए, मुझे देखना है, तो आज मैंने कहा कि सभी की डिमांड पूरी करनी चाहिए। और अब ये जो मैंने कद्दूकस किया हुआ गाजर था, अब मैं इसको ऊपर से डाल दूंगी। इसको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही कद्दूकस किया हुआ है और इनके बीच में गल जाएगा, बस इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है, एकदम बाजार वाला लुक आता है इससे।
और खाने में तो कोई बात ही नहीं है, लाजवाब है। आप खुद देख रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है। तो प्लीज़ जिस तरह मैंने बताया है नूडल्स को उबालने का तरीका, उसमें ऑयल डाल के नमक डाल के उसी तरह आप उबालिएगा। तो जिनको ये शिकायत है कि मेरा नूडल्स चिपक जाता है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक बार उसी तरीके से करिएगा और आप 2 से 4 घंटा भी रख देंगे तो भी आपका नूडल्स नहीं चिपकेगा। ये देखिए है ना, ठीक है। बस अब ये देखिए रेडी है सर्व करने के लिए। ओके, अब मैं फटाफट सर्व करती हूँ। देखिए इस पे थोड़ा सा सॉस अप्लाई कर रहे हैं। सॉस तो चाउमीन की जान होती है और मैंने इसको थोड़ा सा ये करी पत्ता और शिमला मिर्च है इसे गार्निश किया है। चिली सॉस है। और ये थोड़ा सा मैंने चीज से गार्निश कर दिया है। इसमें चीज डाल के आप कभी खाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।